तो ये चाकुलिया स्टेशन के बाहर आते हैं हम लोगों के इधर का जो संस्कृति कलाकृति वो दीवार के माध्यम से देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इधर पे बाटुल मार रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, ये बचपन को याद दिलाता है। तो इस तरह से इसका बाहर का नज़ारा है। तो सोचने वाला बात मेरा है कि मेरे को अभी घर जाने के लिए टेकर या टेम्पो मिलता है या नहीं मिलता है, वही बात है। मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया कि आने को, वैसे में मेरा गाड़ी जो है ससुराल में है, तो जिसको चलते किसी को हम बुला नहीं पाया। और आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो चकुलिया का मेन गेट के सामने हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत ही गाड़ी टेम्पो वेम्पू देखने को मिल रहा है, शायद गाड़ी मिल भी सकता है। तो आगे हम टेकर को ही रेफ़र करेंगे, टेकर में जाने की कोशिश करेंगे। तो यार घर जाने के लिए गाड़ी मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, ये लाल वाला का गाड़ी जो आप लोग देख पा रहे छोटा हाथी, तो मैं इसी में जाने वाला हूँ। और ये छोड़ेगा 1 बजे, तो अभी कम से कम 20 मिनट मेरे पास टाइम है। तो 20 मिनट में ये इधर पे बैठ के थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं, और उसके बाद जब छोड़ेगा तो इसमें जाएंगे। तो यार फिलहाल हम लोगों का जो लाइन गाड़ी है वो ऑलमोस्ट स्टेशन से छोड़ चुका है। मैं अभी चाकुलिया के अंदर में हूँ। चाकुलिया का जो चाकुलिया इस तरह से देखने को मिलता है, जो कि हम लोगों का अभी दोपहर का टाइम है, तो दोपहर का टाइम में चाकुलिया एनी टाइम फाका फाका रहता है। चाकुलिया उतना बड़ा मार्केट भी नहीं है। आगे बादल जो आप लोग देख पा रहे हैं, बारिश शायद होने का चांस है। तो यार फिलहाल हम लोग चाकुलिया छोड़ चुके हैं, गंदरूपी में है। और मोनी जो है देख पा रहे हैं किस तरह से मुँह भर है। हाँ एक बात है, इसका आज बर्थडे भी है, ठीक है, तो बर्थडे का सेलिब्रेशन भी होगा, तो उसका भी ब्लॉग बनेगा अच्छा से, टेंशन नहीं लेने का। साथ में क्या है कि हम लोग के इधर पर बारिश अभी शुरू होने वाला है। अभी आगे देखो मोटा मोटी अभी बारिश थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। और क्या बोलो, नहीं अब कुछ नहीं बोलेंगे, हमको अपना ओ मोनी वैसे मैं ट्यूशन गई हुई थी, तो इसी मतलब लेट हो चुका था, आज लेट हुआ था। हाँ तो आज लेट हो चुका था, तो जिसके चलते आज साथ में जा पा रहे हैं, नहीं तो वैसे में हम बहुत पहले चले जाते। तो आज ट्रेन भी लेट था, ट्रेन तो 3 घंटा के करीब करीब लेट था रे भाई। सीमा सोल पहुँच चुका हूँ, यह है मोदन चौक, जो कि मेरा ही मामा था, ठीक है, इसी के नाम से इसका नाम था मोदन, तो जिसके चलते इस चौक का जो नाम दिया है मोदन चौक। और ये जो दुकान हम लोग देख पा रहे हैं ये मोनी लोगों का है, जो मेरे साथ आया बहन, ठीक है, तो अभी उनके वहाँ ही चलते हैं और जाके देखते हैं। ये जैसे कि क्या बोलते हैं छोटा हाथी से उतर के ही तुरंत भाग के आगे। और यहाँ पे देखो काम पे बिजी भी हो गए, वैसे में इसका तो आज बर्थडे है ना, थोड़ा बहुत काम तो इसको ही करना है। सर मैं मोनी लोगों के घर से अभी जा रहा हूँ मामा घर, ठीक है, वहाँ पे मम्मी, मैंने सोचा था कि मम्मी यहाँ पे होगी, लेकिन मम्मी वहाँ पे नहीं था। मोनी ने लड्डू दिया है बाबू के लिए और एक केला भी दिया है, जो कि आज उसका बर्थडे है, ठीक है, तो याद करके दिया, अच्छा वो भी अच्छा है। तो यहाँ पर आप लोग देखो हम लोगों का जो गाँव है, एक्चुअली ये मेरा गाँव नहीं है, मामा घर है। और ये इस तरह से है, पूरा लटा पटा में भरा हुआ है, मैं भी अभी काला ही दिख रहा हूँ शायद, ठीक है, दोपहर का टाइम है। और दोपहर में देखो छाँव इस तरह से, मतलब इतना गहरा छाँव है कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि इधर पे शाम हो चुका है। यार मैं घर अभी मामा घर में हूँ, और यहाँ पे अभी मम्मी नहीं है, और मम्मी अभी गया है चाकुलिया, उसको लेके गया है क्योंकि उसका बुखार था और थोड़ा बहुत जॉन्डिस भी, तो जिसके चलते वो अभी फ़िलहाल चाकुलिया में है। मैं अभी यहाँ से साइकिल लेके और जाऊँगा झिंगासोल, और वहाँ से शाम को उसको देखने जाऊँगा मम्मी को। और अभी फ़िलहाल वो वहीं पे रहेगी। आई होप ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब का बेल आइकन होने दबा के रख देना। मेरे को अभी जाना होगा यहाँ से ससुराल।